साथियों, जैसा कि आपको विदित ही है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए समस्त शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। शिक्षण संस्थाओं के बंद होने से विद्यार्थियों का पठन पाठन बाधित ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए दूरदर्शन के सहयोग से ज्ञानदीप शिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप, लाइव वीडियो चैट ग्रुप, यूट्यूब आदि की मदद से विद्यार्थियों से जुड़कर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा अपने एजुकेशन पोर्टल में एक प्रोफाइल ई लर्निंग स्कूल जोड़ा गया है। अब इस प्रोफाइल पर विजिट करके कोई भी अध्यापक, विद्यार्थी अन्य अध्यापकों द्वारा अपलोडेड शिक्षण सामग्री को देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, पठन पाठन में उसकी मदद ले सकता है। पोर्टल पर लॉगिन करके शिक्षक स्वयं द्वारा निर्मित शिक्षण सामग्री को अपलोड भी कर सकते हैं। ऊपर दिए गए लिंक को अपने ब्राउजर में टाइप करके आप एजुकेशन पोर्टल की साइट में प्रवेश कर सकते हैं। एजुकेशन पोर्टल की साइट में जाकर आपको बाईं ओर ई लर्निंग स्कूल का एक सेक्शन दिखाई देगा। आप इसको प्रेस कीजिए, तुरंत ही एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें क्लास और सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं दिखाई दे रही हैं। जिस भी क्लास की आपको सामग्री चाहिए उसके सम्मुख उस बटन को प्रेस कीजिए। अब विषय के चयन हेतु सब्जेक्ट को प्रेस कीजिए। इसी प्रकार जिस विषय की आपको जानकारी चाहिए सूची में से उस विषय का चयन कीजिए। उदाहरण के लिए हमें कक्षा 8 की विज्ञान विषय की सामग्री देखनी है तो हम उसका चयन करेंगे। तुरंत ही शिक्षकों द्वारा कक्षा एवं विषयवार अपलोड की गई सामग्री की सूची आपको दिखाई देगी। सूची में आपको टॉपिक का नाम, फाइल का फॉर्मेट पीडीएफ फाइल है कि वीडियो फाइल है आपको लिखा दिखाई देगा। दाईं तरफ व्यू डिटेल को क्लिक करके आप शिक्षण सामग्री को अपलोड करने वाले अध्यापक का नाम, पद, विषय, विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जिला आदि जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप शिक्षण सामग्री का टाइटल, कक्षा, विषय व अपलोडेड सामग्री का संक्षिप्त विवरण भी देख सकते हैं। अपनी इच्छित शिक्षण सामग्री को देखने के लिए आप व्यू को प्रेस कीजिए। सामग्री डाउनलोड होना शुरू हो गई है। सामग्री के डाउनलोड होने के बाद आप इसका अवलोकन कर सकते हैं और इसकी फाइल को अपने विद्यार्थियों को व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, जिससे उनके पठन पाठन में मदद मिल सके। PPT और PDF फॉर्मेट के अतिरिक्त इसमें MP4 वीडियो फॉर्मेट में भी अनेकों वीडियो अपलोडेड है जिनको आप अपने शिक्षण में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन अध्यापकों को अपनी बनाई शिक्षण सामग्री को पोर्टल में अपलोड करना है, इसके लिए वे ई लर्निंग स्कूल के ऊपर लिखे लॉगिन बटन को प्रेस कीजिए। अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें यूज़र आईडी, पासवर्ड, एम्प्लॉई और कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है। यूज़र आईडी में आप अपना कर्मचारी कोड, ट्रेजरी कोड भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे और एम्प्लॉई को प्रेस करेंगे। इसके बाद आप कैप्चा कोड को उतारेंगे। कैप्चा कोड फिल करते ही संबंधित टीचर का पेज खुल जाएगा जिसमें बाईं ओर नीचे ई लर्निंग का सेक्शन दिखाई देगा। इसे आप प्रेस कीजिए। इसमें सामग्री अपलोड करने के लिए आपको एक
परपत्र दिखाई देगा जिसमें कुछ जानकारी आपने भरनी है, जैसे टाइटल, क्लास, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन आदि। जो सामग्री आपने अपलोड करना है उसका टाइटल आप संबंधित स्थान पर टाइप कर लीजिए। इसके पश्चात आप कक्षा को सिलेक्ट कीजिए। कक्षा सिलेक्ट हो जाने के बाद अपने विषय को सिलेक्ट कीजिए और इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, उसमें अपनी दी हुई सामग्री का संक्षिप्त विवरण आप लिख लीजिए। यह विवरण 200 शब्दों से कम होना चाहिए। कि पीडीएफ या पीपीटी फाइल 2 MB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार आपकी वीडियो MP4 फाइल 10 MB से कम की होनी चाहिए। इसके बाद आप चूज फाइल का बटन दबाइए। यह आपको आपके फ़ोन की उस जगह ले जाएगा जहां पर आपकी फ़ाइल सुरक्षित है, वहां से यह फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके पश्चात अब आपको 3 घोषणाएं दिखाई दे रही है, इनको पढ़कर आप इसको टिक कीजिए और सबमिट का बटन दबा दीजिए। कुछ समय के अंतराल के बाद आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। टीचर की व्यू डिटेल पोर्टल से खुद ब खुद ही उस पर जानकारी चली जाएगी। इस प्रकार आप ई लर्निंग स्कूल में अपनी शिक्षण सामग्री को अपलोड करके अन्य अध्यापकों और छात्रों की पठन पाठन में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।